यूपी में चलने के लिए असुरक्षित पाए गए 68 पुल तोड़कर बनेंगे नए पुल। 50 साल की आयु पूरी कर चुके प्रदेश के 721 पुलों की जांच पूरी हो गई है। इनमें 68 पुलों को यातायात के लिए असुरक्षित पाया गया है और अब इनके स्थान पर नए पुल बनाने की तैयारी लोक निर्माण विभाग ने शुरू कर दी है। तो इनके निर्माण पर 245 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस संबंध में लोक निर्माण विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। मुख्य अभियंताओं की जांच में पहले कुल 77 पुलों को असुरक्षित पाया गया था। इनमें से 9 पुलों को बनाने की स्वीकृति पहले ही शासन से दी जा चुकी है और शेष 68 पुलों के स्थान पर 245 करोड़ रुपए से नए पुलों का निर्माण होगा। इनमें कानपुर में 10, सहारनपुर में 6, उन्नाव में 4, सोनभद्र, गाजीपुर, अमेठी, सीतापुर, झांसी में 3-3 पुल असुरक्षित पाए गए थे। वहीं प्रयागराज, आजमगढ़, सुल्तानपुर, खीरी, हरदोई, जालौन, लखनऊ के 2-2 पुल भी जर्जर अवस्था में मिले। तो ये पूरी कवायद इस बात को लेकर है ताकि किसी भी तरह से जनता को परेशानी ना हो। रवि लगातार हमारे साथ बनी हुई। रवि, कवायद तो बहुत अच्छी है लोक निर्माण विभाग की, सरकार की ओर से। अब पूरा अमली जामा बताइए, किस प्रकार से प्रोसेस होगा, कैसे काम आगे अब करेगा लोक निर्माण विभाग इस पूरे मामले में? देखिए, उत्तर प्रदेश में चलने वाले करीब 68 पुल ऐसे हैं जो असुरक्षित पाए गए हैं और इनको तोड़कर दोबारा से इनको नए सिरे से बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से ये पाया गया है कि असुरक्षित होने के चलते ही अभी इन पुलों को तोड़ने के जो प्लानिंग है वो की जा रही है। करीब 68 पुल ऐसे हैं जो अभी तक चिन्हित किए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 50 साल से ज्यादा पुराने ये पुल हो चुके हैं और प्रदेश के करीब 721 पुलों की जांच है वो पूरी की गई, जिसके दौरान ये जानकारी सामने आई है। और इसमें करीब 68 पुल ऐसे हैं जिनको यातायात के तौर पर असुरक्षित माना गया है। अब इनके स्थान पर नए पुल बनाने की जो तैयारी है वो लोक निर्माण विभाग ने शुरू कर दी है और इसी के तहत करीब 245 करोड़ रुपए है वो खर्च किए जाएंगे। और इस संबंध में लोक निर्माण विभाग ने शासन को बाकायदा प्रस्ताव भी भेजा गया है और निश्चित तौर पर करीब 68 पुल ऐसे हैं जिनको यातायात के लिए सुरक्षित माना गया है, तो इनको दोबारा से निर्माण किया जाएगा निश्चित तौर पर। तो कहीं ना कहीं एक यातायात के तौर पे एक बेहतर कदम जरूर होगा। हालांकि इसमें 245 करोड़ रुपए जरूर खर्च होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक इस लिहाज से भी कि अगर हम बात करें तो ये 68 पुल जो है वो चिन्हित किए गए हैं जिनको पूरी तरीके से चलने के लिए सुरक्षित पाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भविष्य में कभी हादसे का शिकार ना होने पाए, इसको लेकर ये प्लानिंग की गई है। हालांकि इसको लेकर 245 करोड़ जरूर खर्च होंगे, लेकिन इससे कहीं ना कहीं भविष्य में असुरक्षा की भावना नहीं होगी ऐसे पुलों पर यात्रा के दौरान, तो ये एक बड़ा कदम जरूर होगा। और हालांकि 721 पुलों की जांच के दौरान करीब 68 पुल ऐसे पाए गए हैं जिनको लेकर ये पूरी प्लानिंग है वो की गई है जी। और अगर हम पूरी कवायद की बात करते हैं रवि, तो ये कब से शुरू हो जाएगा अधिकृत तौर पर, कब से ये पूरा काम शुरू करेगा लोक निर्माण विभाग? सर्वे का काम कराया गया है और सर्वे के दौरान ये करीब 68 पुल है वो पाए गए हैं सुरक्षित पूरी तौर पर, उनको तोड़ के नया पुल बनाने की प्लानिंग की गई है। इसको लेकर बजट को लेकर भी प्लानिंग कर ली गई, फिर 245 करोड़ रुपए का खर्च इस पूरे काम को लेकर आएगा। हालांकि अब इसको लेकर विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है, जिसके बाद फिर बाकी कार्रवाई वो की जाएगी निश्चित तौर पर। कहीं ना कहीं बड़ा कदम जरूर होगा क्योंकि 50 साल से पुराने ऐसे पुल हो चुके हैं करीब, जिनकी संख्या करीब 68 बताई गई है और ये पुल पूरी तरीके से सुरक्षित बताए गए हैं कि ऐसे में दुर्घटना होने का डर बना रहता है। तो ऐसे में इन पुल को दोबारा तोड़ने की प्लानिंग है वो की जा रही है। 245 करोड़ रुपए खर्च करके इन पुलों को नए सिरे से बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम जरूर होगा। और ऐसे में पुलों को लेकर जो आमतौर पर जो घटनाएं हो जाती, दुर्घटनाएं होती थी, उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पहले एक बड़ा कदम जरूर होगा जी। बिल्कुल, काफी बड़ा कदम है जनता के हित के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम खबरों पर दर्शकों तक।